हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहले जो आज के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को लेके आया है। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है वो रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1934 को हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि रिजर्व बैंक है वो एक केंद्रीय कार्यालय का है, उसके तौर पे स्थापित हुआ था और उसका जो स्टार्टिंग कार्यालय था वो था कोलकाता में। इसके बाद 1937 में इसको मुंबई में ट्रांसफर वो कर दिया गया। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि यद्यपि मतलब इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें स्टार्टिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, प्राइवेट जो ओनरशिप थी इसकी। इसके बाद में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण या इसका अब हम बोले तो नेशनलाइजेशन है वो कर दिया गया था और पूरा जो इसका हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई थी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए और फिर देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। देखो, हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत हुई थी, बट 1934 में इसको एक्टिव नहीं किया गया था, ये स्टार्ट हुआ था 1935 में। तो इसलिए ये फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ना कि 1 अप्रैल 1934 को। इसके साथ ही हम बात करें रिसेंटली जो उसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जिन्होंने आपको बताया कि उर्जित पटेल को रिप्लेस है वो किया था। तो ये कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल यहाँ पे आया है वो यहाँ पे एक ट्राइब को लेके है। ट्राइब यहाँ पे है तंकुल नागा। तो आपको बताना है कि टांकुल नागा जो ट्राइब है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो टांकुल नागा जो ट्राइब है वो इंडिजिनस ट्राइब है और ये जो कम्युनिटी है वो मणिपुर के उकरूल डिस्ट्रिक्ट में रहती है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लुहिरा पनिहत है वहाँ पे वो इनका एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है इस ट्राइब का। ये आपको ध्यान, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लुहिरा पन्नी जो फेस्टिवल है वो इनका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जिस तरीके से मकर संक्रांति एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है उसी तरीके से इस ट्राइब का ये फेस्टिवल यहाँ पे बताए गए हैं। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, यहाँ पे हम बात करें इस स्टेटमेंट के बारे में, जो यहाँ पे टांकुल जो ट्राइब है इसको लेके दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। क्यों गलत है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो टांगकुल नागा जो ट्राइब है वो मेनली मणिपुर में तो आती है, ठीक है, बट यहाँ पे बात करें नागालैंड, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में रहती है और ये एक्चुअली इंडिया की स्वदेशी ट्राइब नहीं है। ये फैक्ट ध्यान में रखना है। ये चाइना के थ्रू आती है, चाइना से आती है फिर म्यांमार में, फिर म्यांमार के थ्रू इंडिया में एंट्री करती है और ये मेनली 9वीं से लेकर 11वीं सेंचुरी के बीच में इनका इमिग्रेशन है वो हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि चाइना का ओरिजिन है, ना कि भाई इंडिया का। इसके बाद में जो मैक्सिमम ये ट्राइब है वो कहाँ पे है, वो मणिपुर के उकरूल डिस्ट्रिक्ट में है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो इनका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है वो यहाँ पे सीड सोइंग फेस्टिवल है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सीड सोइंग फेस्टिवल है जो इस ट्राइब का। तो ये हो गए हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोलेस्ट्रॉल। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल है वो एक वैक्सी फेट लाइक सब्सटेंस, मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल है वो एक मोमी वसा जैसा पदार्थ है जो कि लीवर द्वारा या यकृत द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम एसडीएल के नाम से जानते हैं, और एक यहाँ पे दिया गया है एलडीएल, यानी एसडीएल और एलडीएल दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल है वो होता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हाई एचडीएल लेवल का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे जो हार्ट की डिजीज हैं उनके रिस्क को रोकता है, मतलब अगर हाई कोलेस्ट्रॉल एचडीएल ज़्यादा है तो वो हार्ट डिजीज को कहीं ना कहीं प्रिवेंट है वो करेगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है। तो एक बार इसके बारे में देखिए, वीडियो को पॉज करके आप आंसर वो यहाँ पे सोचिए। देखो, यहाँ पे हम बात करें तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट है वो सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ सकती है इसके बारे में इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल है वो एक वैक्सी या हम बोले कि मोम टाइप का एक फैटी है सब्सटेंस वो होता है जो कि लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल आपको बताया कि इससे हार्ट अटैक वगैरह के खतरे बढ़ते हैं। ये दो तरह का होता है, एक तो होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल का टाइप होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये बेकार होता है, इसकी एक निश्चित मात्रा हमारी बॉडी को रिक्वायर है वो होती है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें काफ़ी सारी इन्फेक्शन, काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं जैसे जो ब्लॉकेज वगैरह हैं वो इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। जबकि जो एच डी एल होता है, हाई डेंसिटी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है
कि एचडीएल और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इसमें से एचडीएल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये कुछ हमने फैक्ट यहाँ पे डिस्कस है वो किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, सो दिस नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया स्पेस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। अब देखो आप एक बार इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जनरल सोचना। इसने क्या पूछा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज है वो कहाँ पे हो सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है इनलैंड डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, दूसरा दिया गया है बॉर्डर सर्विलेंस, तीसरा दिया गया है कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, चौथा दिया गया है जीआईएस एंड ऑपरेशन प्लानिंग सिस्टम। अब आप एक चीज जानते हो, देखो किसी भी चीज है उसका यूज तो कहीं भी हो सकता है, मतलब ऐसा तो कोई फिक्स नहीं होता है भाई इस चीज़ का यूज है वो यहीं पे होगा, क्योंकि जुगाड़ नाम की भी कोई चीज़ तो होती है, तो कहीं भी यूज हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं कि भाई किसी चीज़ का सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एरिया में यूज हो, उसके यूज कहीं भी हो सकते हैं इन केस ऑफ फ्यूचर। तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप एक बार थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देख सकते हो कि यार ऐसी टेक्नोलॉजी है या फिर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है उसका यूज कहाँ पे हो सकता है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उसका यूज हो सकता है, कोई फिक्स तो एरिया हो नहीं सकता। तो इसका जो आंसर वो यहाँ पे डी हो जाएगा कि एक दो तीन चार, चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब हम देखते हैं आज की हमारी आर्टिकल डिस्कशन। जो पहला आर्टिकल यहाँ पे आया है वो है कुसुम स्कीम को लेके। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कुसुम स्कीम है वो लग दी। कुसुम का मतलब है यहाँ पे किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो कुसुम स्कीम थी इसका मेन मोटिव था कि भाई किसान है ना, इनकी इनकम तो बढ़ानी है, बट किसानों की इनकम हम इस तरीके से बढ़ाएं ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके उसका। ऐसे नहीं कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी इनकम बढ़े, उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए और इन्वायरमेंट को भी लॉस नहीं हो। तो देखो इस स्कीम का मोटो ये था कि किसानों को ना सोलर पावर प्रोडक्शन के लिए हेल्प की जाएगी, वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। अगर किसान सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे इसका मतलब एक तो उनकी बिजली पर निर्भरता कम हो जाएगी, और इसी के साथ अगर वो एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस बिजली को सेल करके वो पैसे कमा सकते हैं। ये थी कुसुम स्कीम। अब देखो इसमें वैसे तो कंटेक्स्ट ये था कि भी 1.4 लाख करोड़ स्कीम लोगों को, मतलब सोलर पावर प्रोडक्शन है उसके लिए यहाँ पे एक तरीके से हम बोले तो इन्वाइट किया गया है, और इसमें लगभग 28,250 मेगावाट की वो प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये फैक्ट तो यूपीएससी देखो ऐसी फैक्चुअल नहीं पूछ पाएगी, हमें ऐसे कंटेक्स्ट के बारे में यहाँ पे ध्यान में रखना है कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड है। इससे किसानों को एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम मिल सकेगी। किसान अपने खेतों में जहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्लांट्स वगैरह लगाएंगे तो उनको क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी और उसके साथ उनको पैसा भी मिलेगा, तो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके साथ ही इन्वायरमेंट को भी फायदा ये होगा कि देखो अभी क्या होता है कि नॉर्मल कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे किसान इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इंजन वगैरह होते हैं, जो कि डीजल इंजन होते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब डीजल की खपत उनके लिए बढ़ जाती है। बट अगर वहीं पर वो सोलर एनर्जी को यूज करेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको डीजल इंजन की भी जरूरत नहीं होगी, तो इससे कहीं ना कहीं एमिशंस भी कम होगा, तो ये भी एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा स्टेप है। तो ये थी कुसुम स्कीम, इसके बारे में फैक्ट हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सिनोमेटिक ग्राफिक एक्ट के लेके हैं। तो क्या है सिनोमेटोग्राफी एक्ट वो हम देखते हैं। कंटेक्स्ट अभी आया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा में कि भाई जो सिनोमेटोग्राफी एक्ट है 1952 वाला, इसको अभी अमेंड है, उसमें संशोधन है, वो किए जाएं। क्या है ये एक्ट, हम इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। देखो सिनेमेटोग्राफी एक्ट का मतलब सीधे सीधा आपको मैं बताना चाहूँ कि जैसे कोई भी मूवी वगैरह है, आजकल क्या होता है काफ़ी सारी उसकी पायरेसी हो जाती है, मूवी है उसकी डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में आ जाती है, सिनेमा हॉल वगैरह में उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, तो ये कहीं ना कहीं उनके जो राइट्स हैं उनके अगेंस्ट होता है, और यही आते हैं सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत। तो अभी हमारे देश में जो एक्ट यूज हो रहा है इस तरीके के रेगुलेशन के लिए वो हो रहा है 1952 का। तो आप खुद समझ रहे हो कि 1952 का तो इसका मतलब आज़ाद भारत का रूल है उस टाइम का, तो उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, आज काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो अभी जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो नया वाला लाने की बात की जा रही है, तो खैर बिल ही इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मेन मोटिव तो ये है कि कोई भी मूवी या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी पायरेसी हो सकती है उसको रोका जा सके। इसके साथ ही अगर पायरेटेड वर्जन आ रहे हैं कोई भी फिल्म वगैरह के इंटरनेट वगैरह पे, तो उसकी वजह से तो फिल्म इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। जैसे कि मान लो कि किसी पर्सन ने ऐसा कुछ काम किया तो उसको ही उसका हर्जाना है वो भुगतान मतलब पे करना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अनऑथोराइज जो कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह होती है मूवीज़ वगैरह की सिनेमा वगैरह में, उसको भी यहाँ पे बैन है वो किया गया। मतलब कहीं ना कहीं जो पायरेसी होती है, कॉपी की जाती है, डुप्लीकेसी होती है, उनको रोकने के लिए इस एक्ट में प्रावधान है वो किए गए। इसके साथ इसमें जो फिल्म पायरेसी है उसको एक ऑफेंस एंड पनिशेबल माना गया, मतलब अगर आप कोई भी पायरेसी वगैरह ऐसे कुछ काम करो, मूवी की कॉपी वगैरह कर रहे हो, तो वो आपको उसमें सजा का प्रावधान है वो किया गया, और इसमें लगभग 3 साल की सजा का प्रावधान करने की बात है, और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना इसमें करने के कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट के बारे में हमें ध्यान में रखना है ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को लेके। कंटेक्स्ट देखो ये है कि अभी 7th एनुअल वर्ल्ड
गवर्नमेंट सबमिट है वो आयोजित किया जा रहा है दुबई में। एक तो कंटेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई ये वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट है ये है क्या। देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जैसा कि नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि जो वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स हैं मतलब अदर जो कंट्रीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मिलकर आपस में कोलाबरेट करती हैं और जो भी इश्यूज़ होते हैं ग्लोबल लेवल के उनके ऊपर फोकस है वो किया जाता है। मतलब हम बोलें तो इससे जो फ्यूचर की किस तरीके से डायरेक्शन करनी है क्या क्या चैलेंज है उनसे निपटने के लिए समिट है वो आयोजित किया जाता है। और मेनली जो इसका एजेंडा है वो ये है कि भाई जो नेक्स्ट जनरेशन अभी आने वाली है गवर्नमेंट की उसका ये ध्यान रखें कि जो इनोवेशन और जो टेक्नोलॉजी है उससे किस तरीके से जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। यहाँ पे ये कह रहा था कि भाई जो ह्यूमैनिटी की जो प्रॉब्लम है आज के टाइम जो चैलेंज सोल्व कर जो फोकस कर रही है या जो हम बोलें कि सामने फेस कर रही है उनसे निपटने में जो टेक्नोलॉजी है और जो इनोवेशन है वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है इस चीज़ पर यहाँ पर डिस्कस है वो किया जाता है। तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में ध्यान रखना कि दुबई में इस बार इसको आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क इन आंध्र प्रदेश। तो इंडिया का जो पहला एक्वा मेगा फूड पार्क है मतलब यहाँ पे फिशिंग वगैरह इनका प्रोडक्शन किया जाएगा और ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना कि एक्वा मेगा पार्क मतलब इसमें जलीय प्रोडक्ट वगैरह है वो यहाँ पे मिलेंगे। ये यहाँ पे कंटेक्स्ट को लेके अभी है। देखो जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है गांव वगैरह ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ध्यान रखें गोदावरी रिवर के किनारे पे ये भी एक मे बी फैक्ट यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसमें जो मरीन प्रोडक्ट हो गए जैसे फिश हो गई केकड़ा वगैरह हो गए यहाँ पे या फिर जो प्रॉन वगैरह हुए हैं इनको यहाँ एक तरीके से प्रिजर्व है वो किया जाएगा इनकी प्रोसेस है वो की जाएगी। ये देखो आपको पता है कि जो मेगा फूड पार्क हैं वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसके द्वारा लगाए जाते हैं उसके रेगुलेशन या उसके गाइडेंस में इनका काम है वो किया जाते हैं। ये एक तरीके जो फूड पार्क होते हैं इनमें क्या होता है जो प्रोडक्ट्स होते हैं रॉ मटेरियल इनको ला के प्रोसेस किया जाता है ताकि इनको आगे मार्केट वगैरह में भेजा जा सके। देखो आपको पता है मछली वगैरह फिर और भी जो प्रोडक्ट होते हैं फिश वगैरह के अलावा जैसे कि केकड़ा वगैरह ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं इसी प्रोडक्ट। तो इनको जब तक प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक इनको प्रिजर्व नहीं किया जाएगा तब तक इनको आगे नहीं भेजा जा सकता क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए जो वैल्यू चेन है या फिर हम बात करें जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्वा प्रोडक्ट जो होते हैं इनकी एक वैल्यू चेन बनाने के लिए ताकि क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके फूड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके इसके लिए यहां पे ये जो एक्वा मेगा फूड पार्क ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो यहां पे आया है क्राइंग केल बैक के बारे में। देखो क्राइंग केल बैक है ये एक्चुअली सांप की एक प्रजाति है जो अभी डिस्कवर की गई है। वो इस प्रजाति का स्पेशल फीचर क्या है ये ध्यान रखना है और ये कहाँ पे डिस्कवर की गई है। तो ये डिस्कवर की गई है नॉर्थ ईस्ट एरिया में अरुणाचल प्रदेश के एरिया में मेनली। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्नेक की जो नई प्रजाति है सांप की नई प्रजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई है। ये इसका यहाँ पे जो नाम है क्राइंग केल बैक इसलिए रखा गया है कि देखो इसकी जो आँख है इसके नीचे कुछ आंसू टाइप का उभार है वो दिख रहा है तो मतलब ये एक तरह से क्राई कर रहा है रो रहा है इसके आधार पर इसका नाम है वो क्राइंग केल बैक है वो रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है फैक्ट। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है 7E को लेके। तो क्या है 7E? देखो 7E का मतलब है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट ये है कि नीति आयोग और मध्य प्रदेश और झारखंड जो उड़ीसा है उन्होंने क्या किया है कि जो एजुकेशन सिस्टम है इसको एक तरीके से उसमें जो ह्यूमन कैपिटल है इसका यूज है वो इम्प्रूव किया जा सके इसके लिए 7E है एक तरीके से एक इनिशिएटिव है वो यहाँ पे स्टार्ट है वो किया। तो ये ध्यान रखना कि एजुकेशन से रिलेटेड है ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखो अभी एक कंटेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा ये भी आया था कि नीति आयोग और एक यहाँ पे इंडिया में फाउंडेशन एक एनजीओ जिसका नाम है माइकल एंड सुमान डेल फाउंडेशन इसने आपस में कभी एक तरीके से एग्रीमेंट एक टाइप साइन किया था हम बोले तो एक आशय पत्र साइन किया था। इसका मेन मोटो ये है कि भाई इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ना इसके अंदर जो कमी है ना इनके ऊपर फोकस किया जाए और इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो किया जा सके। तो इसके लिए ये एक तरीके से एक टाइप एग्रीमेंट है वो साइन किया गया। तो UPSC पूछ सकती है कि एजुकेशन के लिए रिसेंटली नीति आयोग और किसके द्वारा एक एग्रीमेंट वगैरह साइन किया। तो ध्यान रखना है कि माइकल एंड सुमान डेल फाउंडेशन है उसके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया और 7E क्या है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।